एग्री खेती की तरफ से साप्ताहिक खेती खबरें। राजस्थान सरकार ने समर्थन मूल्य MSP पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीयन सीमा 10% तक बढ़ाई, जिससे 68,386 किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सरकार ने चने का समर्थन मूल्य 5,440 रुपए प्रति क्विंटल जबकि सरसों का समर्थन मूल्य 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा का पूर्वानुमान जारी। इस साल मानसून ऋतुनिष्ठ जून से सितंबर वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। IMD मई 2024 के अंतिम सप्ताह तक मानसून की ऋतुनिष्ठ बारिश के लिए करेगी पूर्वानुमान जारी। इफको द्वारा नैनो यूरिया के बाद नैनो यूरिया प्लस बनाया गया, जिसको केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। नैनो यूरिया प्लस नैनो यूरिया का एक उन्नत संस्करण है जो फसल के विकास के विभिन्न चरणों में नाइट्रोजन की बेहतर आपूर्ति और पोषण करेगा प्रदान। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने नैनो यूरिया प्लस को अगले 3 साल के लिए किया अधिसूचित। ये किसानों को 500 मिलीलीटर केवल 225 रुपए में होगी उपलब्ध। हरियाणा में किसानों को 72 घंटों में मिलेगा फसलों का MSP। हरियाणा के मुख्य सचिव TVS रमन प्रसाद ने सभी प्रशासनिक सचिवों और रबी फसलों की खरीद में शामिल अधिकारियों को किसानों के जे फॉर्म जारी होने के 72 घंटों के अंदर भुगतान जारी करने के दिए निर्देश। किसानों को किए जा रहे भुगतान की निगरानी के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारियों की एक 3 सदस्यीय समिति का भी किया गठन। पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई भारी बारिश। अलग अलग जिले जैसे कि फिरोजपुर, अमृतसर आदि में हुई ओलावृष्टि, किसानों और फसलों पर फिर से बड़ा मौसम की मार का खतरा।